दो तरीके इसके हैं, एक तो है सारे गामा बदानी जाए, बहुत अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में भी कहा गया है कि जिस आवाज़ में आप बात कर रहे हैं उस उतने ही लेवल में आप गाएं। तो जो लोग बहुत लाउड बात करते हैं फिर वो लाउड गाएं, और जो लोग सॉफ्ट बात करते हैं तो सॉफ्ट में गाएं। तो मेरे लिए बनता है ऐसा। और एक तो स नहीं होगा, हम बोलेंगे ना सा भी नहीं करेंगे, बीच करेंगे, ये भी तकनीक है। इसको भी कुछ लोग, बड़े बड़े खान साहब लोग, मैंने भी काफ़ी कर रखा है इसको, इसको ऐसे डाल के और ये बात की बात है, बात की बात है, ठीक है। तो हम सिर्फ सा लगाएंगे, कुछ नहीं कोई यहाँ पे आप उम्मीद नहीं करना कि मैं यहाँ पे कुछ पलटे वलटे मारूंगा। रियाज का मतलब होता है आवाज़ का वॉल्यूम, आवाज़ को खूबसूरत करना। वो सब ताने पलटे तो हमको गानों में मिलते रहते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन सही सा लगाना ये, और बाय द वे सही कुछ भी नहीं है, सबके लिए अलग अलग होता है। जो मुझे काम करता है मैं आपको वो बता रहा हूँ किस, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं जो मैं कह रहा हूँ आपको। अपना रियाज का तरीका आप खुद सोचिए, खुद समझिए कि मुझे क्या सूट करता है। मेन बात यह है कि आपकी आवाज़ का वॉल्यूम बहुत लाउड नहीं होना चाहिए और हवा गले से नहीं निकलनी चाहिए, जैसे आ ये रॉन्ग है, इट शुड बी आ, ये भी नहीं आ, ये ना बहुत लाउड है ना बहुत कम है, सा सा। और याद रखिए सर, मैं बात से कर रहा हूँ, जब भी आप सा लगाएं नाक से सांस लीजिए और भर के सा मत कीजिए, सर खींचिए जितना खींच सकते, गला यहाँ पे आ गया। अगर आप सा छोड़ देंगे सा, तो आपके गले के मसल्स जो हैं वो खींचेंगे नहीं और वोकल कॉर्ड सही जगह पे एडजस्ट नहीं होंगे। मुझे ये काम करता है, मैं ऐसे करता हूँ, नाक से सांस हमेशा सा।